यह है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा सलमान खान के अपकमिंग ब्रांड उनके साइकिल के बारे में। जी हाँ, कल कहीं ना कहीं एक मैंने साइकिल का आपको न्यूज़ बताया था, वहाँ पे मैं क्लियर नहीं था कि आखिर किसका लुक है, क्या चीज़ है। बाद में मुझे पता चला कि वो सलमान खान की बींग ह्यूमन ई साइकिल है। इस साइकिल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको आखिर है क्या। कल कहीं ना कहीं लॉन्चिंग हुई साइकिल की, कहीं सलमान अपने भाई के साथ नजर आए थे। फिलहाल तो सलमान खान है और उनकी जो बाइक सॉरी ये जो साइकिल देख सकते हैं, काफ़ी हाई फंडू साइकिल है यानी कि। और उसके भाई भी उनके साथ में थे, साथ में अर्पिता खान की बहन भी थी और अरबाज खान भी नज़र आए थे। और इस साइकिल की खास बात ये है कि ये बैटरी भी है इस साइकिल में फिट, और रिचार्जेबल बैटरी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे ख़तरनाक चीज़ इस साइकिल के बारे में ये है कि इसका दाम, जी हाँ, इसका प्राइस बहुत महंगा है। दो वेरियंट में, दो मतलब दो प्राइस रेंज में है, एक तो 40 और एक तो 57 यानी कि 1000। एक 40,000 का एक वेरिएंट है, आई थिंक सोहेल खान का 40,000 वाली साइकिल है, सलमान खान की 57,000 वाली है। तो बींग ह्यूमन, जहाँ पे एक वक्त टी शर्ट्स वगैरह ही बेचा करते थे, फिर शूज़, फिर जीन्स, फिर अब डायमंड्स वगैरह, रिंग्स वगैरह क्या बोलते हैं, ज्वेलरी, अब इस बिजनेस में भी आ गए साइकिल के। और उसके बाद इवेंट के दौरान जब इवेंट पे पहुंचे तो सलमान खान साइकिल चलाते ही इवेंट पे पहुंचे, तो ये भी बड़ी बात है। और उनके सपोर्ट में देखिए आगे पीछे पुलिस की पूरी सिक्योरिटी, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। को तो प्रमोट करने के लिए बीइंग ह्यूमन की साइकिल एक साथ लगी थी। और कहीं ना कहीं, अगर मैं गलत नहीं होते, महबूब स्टूडियो है बांद्रा का, बहुत ही पॉपुलर। तो सलमान खान की साइकिल आई थिंक उनके दीवान, उनके फैंस ज़रूर खरीदेंगे। साइकिल्स बड़ी ही बढ़िया दिखाई दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सलमान खान अपने हिसाब से सबसे फिट एक्टर्स के हिसाब से आप देख सकते हो उन्हें। और ये अब नज़र आएंगे आपको आई थिंक अरबाज भी, सोहेल भी और सलमान भी, और बाकी अर्पिता भी नज़र आ गई आपको, और सभी की फैमिली लगभग लगभग मौजूद थी। तो एक अच्छा खासा इवेंट हुआ। और साइकिल अगर आपको ख़रीदनी है इनकी, तो आपको थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ी क्या, काफ़ी 40,000 देने पड़ेंगे और 57,000 अगर महंगी वाली चाहिए। तो ये तीन चार कलर्स में अभी अवेलेबल है, और फिलहाल मुंबई में ही अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल अभी नहीं है। उसकी प्लानिंग फिलहाल चालू है, अब देखते हैं कब तक ऑल इंडिया अवेलेबल होगी। मुझे लगता है इसकी डिमांड सो इंडिया, इंडिया के बाहर हर जगह से आएगी। तो क्या आप लेना चाहते हैं साइकिल? ये छोटा सा आई हिल आप देखेंगे, अर्पिता का बेबी भी यहाँ पे आया था इन्जॉय करने के लिए। तो आप अगर लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा पैसे ज़्यादा डालने पड़ेंगे यार। आपको कैसी लगी साइकिल आप ज़रूर बताइए। और सलमान खान ने भी कहा कि 25 किलोमीटर तक का स्पीड दे देती है साइकिल पर आवर, और अच्छी खासी मुश्किल भरे रास्तों में भी अच्छी चलेगी, क्योंकि बहुत ही मतलब महंगी साइकिल है एक्चुअली, कहा जाए तो नॉर्मल साइकिल्स बिल्कुल नहीं है। तो ये वही ले सकते हैं जिसके पास भाई पैसे हैं। आपको लेनी तो भाई बुक करा लीजिए, अभी जल्दी शायद बुकिंग भी चालू हो जाएगी इसकी, या चालू हो गई होगी, आइडिया नहीं है क्योंकि मुंबई में फिलहाल बिक रही है। और कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें पर तो आपको जरूर बताऊंगा। आपको इसी तरह की वीडियोज आगे भी देखने, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।